आज पाकिस्तान से आया हूँ। आज सुबह सुबह इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट थी और तकरीबन 2 घंटे पहले मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ इस्तांबुल में। यहाँ पे 4-5 आवर्स का स्टे है और स्टे के बाद मैं जाऊँगा मीनान जो इटली में है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं आप आज इधर? ज़बरदस्त किस्म का फील कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मैं तुर्की पे आ जाऊँ, यहाँ पे घूम फिर हूँ। आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो फाइनली हमारा लंच आ गया और इस बंदे को लग रही है बहुत गर्मी और ये इसका लंच है। अब इस सारी चीज़ों को खानी है ना आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं आया हूँ तुर्की और अभी मैं इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो तुर्की में उसमें हूँ और इसकी बहुत खूबसूरत लोकेशन है, नया एयरपोर्ट है और बहुत मज़ा आ रहा है। और जो बंदा मेरे वीडियो कर रहा है ना, ये यहाँ पे मेरे साथ फ्लाइट में हो गया था फ्रेंड और अभी मेरे साथ ही है, आ जाए। तो आप कैसा फील कर रहे हैं आप आज इधर? ज़बरदस्त किस्म का फील कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मैं तुर्की पे आ जाऊँ, यहाँ पे घूम फिर हूँ। आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ। For your health, always wear your face mask and keep your social distance. और इस स्टे के बाद मैं जाऊंगा मीनान जो इटली में है, लेकिन उसके लिए कुछ वेट करना पड़ेगा 2 आवर्स तक और मज़ीद। तो मैंने चाहा कि मैं कुछ ऐसा वीडियोस बनाऊं और अपना व्लॉग जो है ना शूट करूं। तो आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम इन तुर्की एंड हमने यहाँ पे लंच भी किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का लंच भी था। हाँ ना, यहाँ पर जो खाना था वो आला किस्म का, बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना था। बहुत मैंने एक छोटा सा शूट भी किया उसके लिए ना। हाँ ना, तो आप भी देखेंगे मेरे साथ और बहुत मज़ा आएगा आपको। और मेरे साथ एक पाकिस्तान से पंजाबी नहीं, ये पाकिस्तानी नॉट पंजाबी पाकिस्तानी फ्रेंड बन गया है, ठीक है। और अभी हम बहुत भूख लगी है ना, हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं।
कहाँ पे जाएंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर जाना है? हाँ अच्छा, इधर ऊपर। तो ये क्या, इस एयरपोर्ट में आप पहली दफ़ा आए हैं? नहीं, मैं तो दूसरी दफ़ा आया हूँ। दूसरी दफ़ा आए हैं? हाँ। अच्छा, इसीलिए तो आपको इधर लेकर जा रहा हूँ, पता है मुझे। अच्छा, तो ये पाकिस्तान वाला भाई कौन ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, और अब हम खाने का वेट कर रहे हैं। खाने में क्या ऑर्डर किया आपने? खाने में सारे चिकन विंग्स और फिर और साथ में वो चिप्स नहीं होते आलू के? अच्छा, आलू के चिप्स। कितने के बन गए सारे? तकरीबन 18 यूरो के। 18 यूरो के बन गए। और साथ में कोका कोला है? और कोका कोला 2 पीस 2 मील्स है सर। और सारा बन गया 18 यूरो का। साथ में थोड़ी सी मिर्ची भी है। मिर्ची भी है, इसको बहुत पसंद है। हाँ, मिर्ची पंजाबी बहुत खाते हैं ना। ये जर्मनी में जा रहे हैं मेरा दोस्त, अभी वेट कर रहा है मेरे साथ तुर्की के एयरपोर्ट में, और हम खाना खा रहे हैं। ओके, तो फाइनली हमारा लंच आ गया, और इस बंदे को लग रही है बहुत गर्मी, और ये इसका लंच है। अब इस सारी चीज़ों को खानी है ना आपने। कोका कोला से ये है ना, यानी कि खाना जल्दी हजम हो जाता है। क्या हाँ कोका कोला? हाँ, यहाँ पे खरीदते हैं। हाँ, कोका कोला ये जो टीन पैक नहीं है, टीन पैक का रेड कलर। हाँ जी, क्या ये जो रेड कलर वाला नहीं है? रेड वाला ये जी। नहीं, ये भी ठीक है। हाँ हाँ जी, ये 3 पैक है जी। कितने? 2 बड़े हैं मेरे हिसाब से। हेलो, जी हाँ भाई लोग, ये कोका कोला मुझे 4 यूरो का मिल गया तुर्की के एयरपोर्ट में, और एक कोका कोला था और एक स्प्राइट था, दो मैंने ले लिए, तो 8 यूरो आई मैंने पैक कर दिए। अब मैं जा रहा हूँ B17 गेट पे, वहाँ पे मेरा डिपार्चर होगा मिलान। सो फिर मिलते हैं मिलान में, और जहाज़ में भी आप कुछ ना कुछ दिखाते हैं। तो हम आ गए हैं वेटिंग रूम में, और यहाँ पर हम वेट करेंगे मिलान को जाने के लिए, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मिलान में। सो स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी, सी यू देयर। जहाज़ से उतर गया हूँ, और अभी सामान के लिए आ गया हूँ। मैंने सामान भी कलेक्ट कर लिया है मिलान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और अभी मैं जाने वाला हूँ बस में टोरिनो की तरफ, और इंशाल्लाह ये था मेरा सफ़र फ्रॉम पाकिस्तान से टू तुर्की से फिर मिलान इटली। तो सी यू नेक्स्ट व्लॉग।